बैंक के अंदर अकाउंट खोलने के लिए अब आपको बैंक के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने स्मार्टफोन के द्वारा घर बैठे ही अपना बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपने बैंक का अकाउंट खोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब हिंदी। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपको योनो SBI बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, तो आपको कुछ देर यहाँ पर वेट करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, जिस प्रकार से पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, वो चीज़ें आपको यहाँ पर यूज करनी होती हैं। तो इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी कस्टमर हैं तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। फिलहाल हम जान रहे हैं कि हमें नया अकाउंट कैसे खुलवाना है, तो न्यू टू SBI पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, आपको फर्स्ट वाले ओपन सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कि आप विदाउट ब्रांच जाकर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या फिर ब्रांच में जाकर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है, हमें ब्रांच में नहीं जाना है, डायरेक्ट अपना अकाउंट खुलवाना है। इसके बाद इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आएंगे, स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन या फिर रिज्यूम एप्लीकेशन। स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन उसके लिए है जो पहली बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, रिज्यूम एप्लीकेशन उनके लिए हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है। तो हमें फर्स्ट वाला यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा, आपको इन्हें अच्छे से रीड कर लेना है और यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं और नीचे आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी डालनी है। ये दोनों डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास मैसेज आएगा कि OTP हमने आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया है। उस OTP को आपको यहाँ ओके करके यहाँ पर एंटर करना है और आपकी ईमेल आईडी पे भी एक OTP आएगा, वो भी आपको यहाँ पर डालकर उसे यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो मैंने अपने दोनों OTP यहाँ पर डाल दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए ये आपको अपने पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है आपके एप्लीकेशन के लिए, तो कम से कम 8 करेक्टर्स का आपको पासवर्ड बनाना है और उसके अंदर अपर केस, लोअर केस और एक डिजिटल स्पेशल कॉमन या फिर कोई भी सिंबल होना अनिवार्य है। तो ये आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ नीचे एक क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी आप क्वेश्चंस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके आंसर के रूप में आपको यहाँ पर हिंट के टाइप में कुछ भी एक वर्ड यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं लाइक फ्लोवर। इसके बाद आपको नीचे जाना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है कि ट्रेन की 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी एप्लीकेशंस को यहाँ पर कंप्लीट करना है। इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है और इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपसे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये मांगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फॉर्मेशन, वो आपको 1 by 1 करके भरते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में ये मांगेगा आपको अपने आधार कार्ड डालने हैं या फिर आपको अपने VID नंबर डालने हैं। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और आपके आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डाल देने हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वही आधार कार्ड नंबर डालने हैं जो आपके मोबाइल से लिंक हों, क्योंकि उसके ऊपर एक OTP आएगा और OTP डालने के बाद ही आगे का प्रोसेस आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने आधार कार्ड नंबर डालकर कर देता हूँ गेट OTP पे क्लिक। इसके बाद ये मैसेज दिखाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ चुका है, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर OTP डालने के बाद आपको यहाँ नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड नंबर से ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिक्स कैप्चा कर लेगा, तो आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक्स दिखा देगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड से ही आपका एड्रेस, पिन कोड नंबर भी ये यहाँ पर शो करने लगेगा। इसके बाद आपको स्टेट यहाँ पे चूज़ करना होगा और अपनी डिस्ट्रिक्ट भी और अपना विलेज, ये चीज़ आपको चूज़ करनी है। ये सब डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर डालने हैं और फिर यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड के अंदर जो फोटो है वो भी यहाँ पर शो करने लगेगा, तो आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा, यानी कि आप 10वीं पास हुए हैं, 12वीं हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने की हुई है, आपकी जो शिक्षा स्तर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है।
इसके बाद ये पूछेगा कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ये आपसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे रिलेटेड, जिस प्रकार से आपका जन्म कहाँ पर हुआ था उस स्थान का नाम आपको यहाँ पर डालना है, आपका कोई घर के अंदर कोई और नाम है, मिडल नेम है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, आपके फादर का नेम आपको यहाँ पर डालना है और फादर का मिडल और लास्ट नेम आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा माँ का नाम भी इसी प्रकार से फर्स्ट नेम यहाँ पर, मिडल और लास्ट नेम यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि जो एक डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है और उसे टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं, तो अगर आप सर्विस में हैं, बिजनेसमैन हैं तो इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और करते हैं तो आप यहाँ अदर पर सेलेक्ट कर दीजिए। अदर पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी लिस्ट आ जाएगी, तो इसमें से जो भी काम आप करते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ये आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछेगा, यानी कि आपकी वार्षिक इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपसे आपका धर्म पूछेगा, तो आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन्हें आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये आपकी कैटेगरी पूछेगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इसको आपको एक कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये नॉमिनीज डिटेल पूछेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉमिनीज वो होता है जिसको आप अपने बाद पैसा देना चाहते हैं। मान लीजिए कल ना आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो पैसे हैं अकाउंट में वो किसको मिलने चाहिए, तो यहाँ पर आप अपने माँ बाप, भाई बहन, किसी भी रिश्तेदार का नाम डाल सकते हैं, और उस रिश्तेदार के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, यानी कि वो आपके माँ हैं, बाप हैं, सिस्टर हैं, भाई हैं, बहन को हैं, वो आपको यहाँ पर डालना है और उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपका पालन पोषण कौन करना है वो चीज़ें आपको गार्डियन नेम के अंदर डालनी है, और आपकी जो उम्र है, सॉरी, आपके गार्डियन की उम्र, यानी कि जो आपका पालन पोषण कर रहा है उसकी उम्र आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने गार्डियंस का यानी कि नॉमिनीज का आपको एड्रेस डाल देना है और यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल देना है, यहाँ पर उनका जो स्टेट है वो भी आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये दिखाएगा कि आपके एरिया के सबसे पास में कौन सा SBI बैंक है, वो आपको यहाँ पर चूज करना है। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करके अपने एरिया का नाम डालेंगे तो आपके एरिया के सबसे नज़दीक जो SBI बैंक होगा उसकी लोकेशंस ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे शो होने लगेगी, तो आपको उसको सेलेक्ट कर देना है। जो आपके सबसे नज़दीकी SBI का बैंक है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने टर्म एंड कंडीशंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको रीड टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगे, तो आप चाहें तो इन्हें अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। इनको पढ़ने के बाद आपको आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पर यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके मोबाइल पे OTP नहीं आता है तो आपको यहाँ रीसेंड पे क्लिक करना है, तो आपको OTP दोबारा से आ जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि आपका जो डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड बन के आएगा उसके ऊपर क्या नाम होना चाहिए। वैसे ये आपका नाम ऑटोमेटिक से यहाँ पे शो कर देगा जो आपने फॉर्म के अंदर अभी शुरुआत में भरा था। फिर भी अगर आप अपने कार्ड के अंदर अपना नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर नाम के पीछे अपना सरनेम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजमेंट आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके टोकन नंबर जनरेट कर देगा। अब ये जो टोकन नंबर हैं इनको आपको या तो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना है या फिर किसी नोटबुक के अंदर आपको इन्हें नोट कर लेना है, क्योंकि यही टोकन नंबर जब वीडियो KYC होगी उस समय आपको इस्तेमाल करने होंगे और आपकी वीडियो KYC इन्हीं टोकन नंबर से स्टार्ट होगी। तो इनको नोट करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वीडियो KYC के अंदर क्या क्या प्रोसेस किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जब वीडियो KYC की जाएगी, आपका वीडियो KYC स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर एक SBI का ऑफिसर होगा। वो SBI ऑफिसर आपसे वीडियो कॉल पे फेस टू फेस बिल्कुल आमने सामने बात करेगा।
बात करते वक्त सेकंड नंबर में बताया गया है कि आपके पास वो एक ओटीपी भेजेगा, उस ओटीपी को आपको अपने मोबाइल में फिलअप करना है, जिसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरी लाइन में बताया गया है कि आपकी वीडियो करते समय आपकी फ़ोटो ली जाएगी, आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, साथ साथ में आपको अपना पैन कार्ड भी शो करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो क्या बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में बताया गया है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जहाँ पर कमज़ोर आपका नेटवर्क आ रहा है तो वहाँ पे आप वीडियो कॉल ना करें, अच्छी सी लोकेशन पे जहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आ रहा है वहाँ पर जाकर आपको वीडियो कॉल करनी है। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, माइक्रोफोन, लोकेशन, इन सबको आपको इस योनो ऐप को एक्सेस दे देना है, ताकि जो आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन है वो आसानी से यहाँ पर हो पाए। इसके बाद थर्ड नंबर पे बताया गया है कि आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर, ये दोनों ही ओरिजिनल अपने पास में रखने हैं, क्योंकि वीडियो कॉल करते वक्त SBI का जो ऑफिसर होगा ये दोनों ही ओरिजिनल चीज़ आपको दिखानी होंगी। इसके बाद नंबर चार पे यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप किसी डिफेंस में हैं, एम्प्लॉय हैं, सरकारी गवर्नमेंट हैं, तो आपको अपना ID कार्ड और सैलरी स्लिप, ये दोनों चीज़ भी तैयार रखनी है, और इन्हें भी आपको वीडियो कॉल के वक्त दिखाना होगा। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो ये चीज़ें दिखानी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद पांचवें नंबर पे बताया गया है कि आपको किसी पीसफुल एरिया के अंदर जाकर वीडियो कॉल करनी है, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर या फिर शोर शराबे वाली जगह पर जाकर आपको वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसके बाद आपको नीचे जाना है और स्टार्ट या शेड्यूल ए वीडियो कॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि यू विल बी रिडायरेक्ट टू ए थर्ड पार्टी वेबसाइट फॉर कंप्लीट ऑन वीडियो KYC। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट यानी कि भेजा जा रहा है, और वहाँ से आपकी जो वीडियो कॉल है वो हमारे SBI ऑफिसर के साथ स्टार्ट होगी। तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, या तो अगर SBI के ऑफिसर्स फ्री होंगे तो आपकी वीडियो कॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, अगर वो स्टार्ट नहीं होती है तो यहाँ पर इस प्रकार से ये पेज आपको शो करेगा और रीशेड्यूल का ऑप्शन यहाँ पर दिखा देगा। तो आपको क्या करना है कि आपको रीशेड्यूल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीशेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना शेड्यूल चूज करना है जब आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डेट यहाँ पे चूज करनी होगी, दूसरी नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना टाइम चूज करना होगा, यानी कि उस डेट को किस टाइम पे आपको वीडियो कॉल करनी है। तो ये दोनों चीज़ चूज करने के बाद आपको यहाँ शेड्यूल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो शेड्यूल है वो सक्सेसफुल हो चुका है। जो भी डेट और टाइम आपने डाला है उस डेट और टाइम को आपको अपने मोबाइल में योनो ऐप को ओपन करके रखना है और इंटरनेट कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ऑटोमेटिक उस दिन और उसी टाइम पे SBI ऑफिसर आपके पास कॉल कर लेंगे और आपका जो KYC वेरिफिकेशन है वो वीडियो कॉल के द्वारा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा, उससे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके पास आपकी पासबुक, चेकबुक और आपका डेबिट कार्ड, ये सभी चीज़ें बाई पोस्ट द्वारा आपके एड्रेस पर पहुंच जाएंगी, जहां पर आपको अपने अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सभी चीज़ें वहां पर आसानी से मिल जाएंगी, और आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के यूजर नेम और पासवर्ड भी आसानी से बना पाएंगे। तो इस प्रकार से आप SBI बैंक के अंदर अपना ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं बिल्कुल घर बैठे। आपको कहीं भी बैंक के अंदर चक्कर काटने की या फिर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।